फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजर मूली और मिर्च का अचार, जो कि लंबे समय तक चलेगा। तो ये वाली रेसिपी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इन चीजों को धुल लिया है और ऊपर के छिकल जो हैं वो मैंने छील लिए अच्छे से। देखिए, मूली को ये 5 मूली ले ली है, बाकी गाजर ले ली है, गाजर को भी मैंने छील लिया है। और मिर्च जो है कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, तो इनको मैंने अच्छे से धुल के पोंछ लिया है। और थोड़ा सा लिया है ये अदरक का टुकड़ा, तो चलिए इसको हम काट लेते हैं। पहले तो मूली को हम काटेंगे, ये फिंगर साइज में काटेंगे, देखने में अच्छी लगेगी। तो ऐसे हम कट कर रहे हैं, देखिए ये ऐसे इस तरह से हम मूली कट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखने में भी बड़ी अच्छी लगेगी, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ऐसे सारी मूली और गाजर हम कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, और बहुत खाने में टेस्टी लगता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। आप सालों साल इसको स्टोर करके रख सकते हैं और खाने के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। तो ये सब काट के आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गाजर और ये मिर्च अदरक ये सब कट कर लिया है, मूली भी कट कर ली है। ये देखिए, और ऐसे प्लेटों में मैंने फैला दिया है। अब हम इसको धूप में रखेंगे। ये गाजर और मूली को रखेंगे लगभग 3 से 4 घंटे तक धूप में। और मिर्च जो है ये थोड़ी कुछ दिन पुरानी हमारी मिर्च है, तो 1-2 दिन की हो गई है, तो इसको सिर्फ 1 घंटे तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो इसको चलिए धूप में लेके चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हम धूप में रख देंगे, तेज़ धूप है। तो ये सारी प्लेटें यहीं पे धूप में हम रख देंगे और इनको सूखने देंगे। तब तक चलिए मसाला बनाते हैं। तो दोस्तों, जब तक गाजर मूली धूप में रखे हुए हैं, तब तक मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने आधी चम्मच लिया है मेथी दाना, और आधी चम्मच ये कलौंजी, 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और राई ली है 2 चम्मच, और 1 चम्मच भर के लिया है सौंफ। तो इसको हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मिक्सर जार में डाल के मैंने दरदरा सा पीसा है, ये देख सकते हैं आप लोग, और कलौंजी नहीं पीसी है। तो अब हम तेल चढ़ाएंगे। ये मैंने सरसों का तेल ले लिया है और बहुत ही धीमी आंच रखी है, और इसको हमको खौलाना नहीं है, ना तो ज़्यादा पकाना है, बस इसमें से धुआं निकलने लगे बस इतना ही हमको रखना है, मतलब ज़्यादा पकाना नहीं है। ये आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनेगा। और पानी की बूंद, 1 बूंद भी नहीं होनी चाहिए पानी का, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसको गर्म होने देते हैं। तो देखिए, तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, ऐसे हाथ लगा के हम देख रहे हैं तो हल्की सी भाप जैसी लग रही है। तो बस इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और अब हम वेट करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहे इतना रखना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमको 4 घंटे लगभग हो गए हैं इसको धूप में रखे हुए, इसकी क्वांटिटी देख रहे हैं कुछ कम भी लग रही है अच्छे से, ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। इसका जो ऊपर का जितना पानी है तो वो सारा ख़त्म हो जाए, इतना ही सुखाना होता है। तो ये मिर्च जो है हमने सिर्फ 1/2 से 1.5 घंटे तक खाली रखी थी धूप में, तो ये भी सूख चुकी हैं। तो अब हम किसी बर्तन में इनको रख लेंगे। ये देखिए, एक बर्तन लेंगे, और ध्यान रहे 1 बूंद पानी नहीं होना चाहिए किसी चीज़ में, नहीं तो हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो पानी बिल्कुल ध्यान रखें कि पानी ना होना ही चाहिए। इस बर्तन में भी अच्छे से पोंछ लें, धूप में सुखा लें, तब इसमें डालें ये सारा अचार। तो हम इसी में डाल रहे हैं इस अचार को, इन सब्जियों को सारी। अब हमें क्या करना है, अब हम जो मसाला ये पीसे थे ये दरदरा सा, तो इसको हम इसी में डाल देंगे। ये जो कलौंजी है, ये खड़ी कलौंजी, इसको भी इसी में डाल देंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने डाल दिया। और अब डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, ये हींग डाल देंगे थोड़ी सी इसी में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी,
और नमक, नमक थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है इसमें, तो ये इस चीज का ध्यान रखें। ये भी हमने इसी में डाल दिया। अब डालेंगे 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर, क्योंकि अचार खट्टा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो इसमें हमने आमचूर पाउडर डाल दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हम ये जो मैंने तेल गुनगुना किया था हल्का सा, इसको डाल देंगे। अभी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े ही डालेंगे। ये थोड़ा सा तेल डाल के अब किसी चम्मच की सहायता से, हाथ नहीं लगाएंगे, चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ऐसे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये अचार जो है सालों साल आप इसको रख के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर पे, और हमें बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि तो मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा अभी सूखा लग रहा है, तो थोड़ा सा अभी हम तेल और डालेंगे, सब इकट्ठे तेल नहीं डालना है हमको, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा अभी और डाल देंगे, ये बिल्कुल लसलसा मतलब इस पर लेयर चढ़ जाए मसालों की, इतना सिर्फ डालेंगे अभी हम तेल। डालेंगे और तेल लेकिन बाद में डालेंगे, तो हम आपको बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तो हर स्टेप को आप जब फॉलो करेंगे तो आपका अचार टेस्टी भी बनेगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा भी, खराब नहीं होगा। तो देखिए अच्छे से ये मसालों की कोटिंग हो गई है सारी सब्जियों पे, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें अब हम डाल देंगे विनेगर, सिरका कोई भी आप ले सकते हैं, तो सिरके से खट्टापन भी आएगा और ये अचार जो है ये इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, मतलब ख़राब नहीं होगा। तो 2 चम्मच हम सिर्फ इसमें विनेगर डाल रहे हैं, मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ये विनेगर डाल दिया यानी कि सिरका, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम कोई बर्तन लेंगे, जैसे ज़्यादातर हम यूज करते हैं कांच के बर्तनों में अचार रखते हैं, तो कांच के बर्तनों में ज़्यादा ही अच्छा रहता है, या तो फिर आप मिट्टी का बर्तन कोई ले सकते हैं। तो ये मैंने बर्तन एक ले लिया है, ये हमारा बॉर्नविटा का डिब्बा था, तो इसको साफ करके अच्छे से धूप में मैंने 1 घंटे रख दिया था, पोंछ के धूप में रख दिया था, तब हम यूज कर रहे हैं। तो इसी में हम ये सारा अचार जो है वो भर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारा अचार भर के रख दिया है इसमें, इस डिब्बे में। अब हमको इस पे ढक्कन नहीं लगाना है, कोई साफ कपड़ा ले लेंगे, कॉटन का या फिर जालीदार ऐसे, मतलब जिससे कि हवा पास हो सके, तो वैसा कोई कपड़ा ले लेंगे। तो इसके ऐसे मुंह पे रख देंगे, या फिर रबड़ आप लगा सकते हैं। तो हम इसको बांध रहे हैं इसके ऐसे, इसको ढकते हुए अच्छे से बांध देंगे। ये देखिए ऐसे टाइट सा बांध देंगे, और इसको हम धूप में रखेंगे 1 दिन के लिए। तो चल धूप में हम रख के फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन बाद हम अचार को उतार के लाए हैं, 1 दिन धूप में रखा रहा है। तो देखिए ये कुछ कम भी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे तेल, जो मैंने हल्का सा गुनगुना किया था वही वाला तेल रखा हुआ है, तो इसी में हम डाल देंगे। ये देखिए तेल डाल के अब इस पर हम ढक्कन लगाएंगे, ये पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा कम ही रखना है। तो अब हम ढक्कन लगाएंगे, ये ढक्कन लगा दिया है। अब इसको हम पकड़ के ऐसे ऐसे कस के हिला देंगे, जिससे कि ये जो तेल है ये सारे अचार में मिक्स हो जाए, ऐसे हिलाना है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये सारे अचार में मिक्स हो चुका है। अब हम इस अचार को ऐसे ही कपड़ा फिर से बांध के, और इसको 5-6 दिन तक हम धूप में रखेंगे। तो ये हमारा अचार जो है ये सालों साल खराब नहीं होगा, आप लोग इसको ऐसे ही बना के रख सकते हैं, और आप खाने के साथ में इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमारा अचार ऐसे ही बनकर रेडी है, तो आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये गाजर मूली और मिर्च के अचार की रेसिपी कैसी लगी।
तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो न्यू वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी डिश बनानी है या देखनी है, आप लोग देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको वो डिश बना कर दिखाएंगे। तो अगर ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट देते रहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।